श्री शिवाय नमस्तव्यम हर हर महादेव। तो आप लोग भी तैयार हो चुके होंगे सावन शिवरात्रि पंडित प्रदीप जी मिश्रा के साथ रुद्रा अभिषेक यानी कि शिव अभिषेक करने के लिए। उसकी सामग्री की लिस्ट हमने पहले ही बना दिया और आप लोगों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पूजा के बाद किन किन चीज़ों का हमें विसर्जन करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर हम लोग आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आपकी जो भी डाउट्स हैं ना उसको क्लियर हो जाएगी। फल का क्या करना है, फूल का क्या करेंगे, जो गेहूँ चढ़ाने, जो अनाज चढ़ाएं, काली तेल, काली मिर्च, सुपारी, ये सब जो चढ़ाएंगे बेलपत्र, इनका हमें क्या करना है, किस तरह से विसर्जन करना है, शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार से करेंगे, अगर हमारे घर में यानी घर के आसपास में कोई नदी नहीं है, पवित्र नदी नहीं है, तो किस प्रकार से शिवलिंग का विसर्जन करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखिए लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। उससे पहले अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे शाम के समय में, ठीक है ना, तो उस पर आपको क्या करना है, जैसे शिवलिंग आपने बना लिया, मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है, ठीक है। इसको विसर्जन किस प्रकार से करना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, देखिए सबसे पहले विसर्जन आप लोगों को पवित्र नदी में करना है। मैंने पहली बार कई बार बता दिया, जो गुरुजी ने भी बताया है कि शाम के समय में इसे विसर्जन ना करें, क्योंकि छोटे मोटे अगर आप पर्व पूजा के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो शाम में कर लीजिए, अगर कोई बड़ी फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो आप अगले दिन आपको विसर्जन करना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा सुबह के 5 बजे तक में आप विसर्जन कर ले, 5, 5:30 बजे के आसपास सूर्योदय होते होते करना है विसर्जन, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि विसर्जन हमें कब कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए अगर आप नदी में विसर्जन कर रहे हैं तो जलाधारी, ये देखिए ये जो जलाधारी है ना ये आपकी तरफ होनी चाहिए, आप यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे इस तरह से खड़े हैं और ये आपकी तरफ जलाधारी होना चाहिए और प्लेट पकड़ के आप इसे नीचे यहाँ पे गिरा दीजिए जल में, ठीक है। तो ये विसर्जन होकर अपनी कामना मांग लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर जिनके घर में यानी जो आसपास में नदी कोई तालाब नहीं है और कोई कहीं होता है कि गंदा जगह है वहाँ पे हमें अच्छा भी नहीं लगता विसर्जन करने, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, आपके घर में एक लोटा होगा या लोटा नहीं तो एक बड़ा सा बाल्टी ले लीजिए, ठीक है ना, शुद्ध बाल्टी यानी साफ सुथरा कर लीजिए बाल्टी को, एग्जाम्पल की तरह देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये मैंने एक बाल्टी बना लिया, ठीक है ना। बाल्टी में क्या करना है, पूजन के बाद आपको सारा का सारा ये जो शिवलिंग है आपने जो बना इसमें डाल दीजिए और इसके अंदर पानी डाल दीजिए, पानी डालिएगा रात भर इसको छोड़ दीजिएगा तो ये सुबह तक में गल जाएगी, पूरी की पूरी मिट्टी बन जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या करिए, इसको आप आपके घर के अंदर जो बगीचा है, ठीक है ना, या पेड़ पौधा जो भी है, कोशिश कीजिए अगर बेल का पौधा है तो उसकी जड़ में डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने घर के बगीचे में किसी भी पौधे में इसे गमले में डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका विसर्जन कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया इतना तक। और एक घंटा मैक्सिमम, एक घंटा, ठीक है, आधे घंटे से 45 मिनट में हो जाता है पूजा, क्योंकि हम लोगों ने भी पिछले बार किया था। पूजन में अब फास्ट कैसे रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का कि फास्टिंग कैसे रखें, देखिए फास्टिंग के लिए मैंने पहले ही बता दिया, स्वच्छ होकर आप शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद अगर चाय फल खाना है आपको तो आराम से खाइए, दोपहर में भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, शाम में पूजा जैसे समाप्त होती है आपकी उसके बाद आप चाहें तो क्या नमक का फल खा सकते हैं यानी नमक का खाना खा सकते हैं या फलाहारी रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप लोगों के सवाल ये हैं कि हमने जो अनाज चढ़े से कि गेहूं चढ़ाया, चावल, बेलपत्र, कमलगट्टे, धतूरा, फूल, ये सब जो चढ़ाए हैं इनका क्या करें, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात की जो दाने आपने गेहूं अनाज चढ़ाएं, ये ज़्यादा अनाज नहीं चढ़ाएं आपने, थोड़ा थोड़ा सा अनाज चढ़ाया, ठीक है, जैसे कि 21 गेहूँ चढ़ाएं और 108 चावल के दाने चढ़ाएं, ठीक है, और तिल चढ़ाया, ये जो छोटे से चीज़ है ना आप इनको क्या कर सकते हैं कि किसी भी नदी में बहा दीजिए, यदि आपके घर पे आसपास में नदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या करना है आपको रख लीजिए, रखने के बाद जो भी आपने फल चढ़ाया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने ऋतु के अनुसार फल चढ़ा दिया, कोई भी फल चढ़ाया होगा और कोई भी मिठाई चढ़ाया होगा, देखिए इसके अनाज को हमें बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि शिवलिंग पे जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं, ठीक है, उसका भोग हम लोग नहीं लेते हैं यानी हम लोग को नहीं खाना होता है, अगर आप लोगों को ये बात पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया उसको क्या कीजिए, आप अगले दिन किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी मंदिर में दे सकते हैं या नहीं, ये भी नहीं हो सकता ना, तो आप किसी भी जानवर जैसे को हो सके तो गौ माता को खिला दीजिए, ये जितने भी आपके पास अनाज हो गए और जो भी फल है इसको आप खिला दीजिए। अब बात बचती है कि ये पुष्प, समीपत्र, बेलपत्र हैं, इनका क्या करें, ठीक है। बेलपत्र तो आप महादेव से मांग के उसे अपने घर में रख सकते हैं, उसका आप भी सेवन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो समीपत्र हैं और पुष्प बचते हैं तो इसका जिस तरह से आप
निर्माल का विसर्जन करते हैं उस तरह से आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। शिवलिंग किनको लिए कौन सा शिवलिंग बनाना चाहिए, देखिए मैंने लिख रखा था, शूद्र के लिए काली मिट्टी का, वैश्य के लिए पीली मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी और ब्राह्मण के लिए सफेद मिट्टी का। तो ये भी आप लोगों को कोशिश कर किया था कि मैंने अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है ये भी हो गई। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की कोई भी डॉट्स और कोई भी क्वेश्चंस बच रहे होंगे। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं और कोई क्वेश्चंस बच रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब दूध दही अभिषेक आप करेंगे, ठीक है, जैसे कि घी है, शहद है, दही है, दूध है, इनसे जब आप अभिषेक करेंगे शक्कर के साथ, तब वो शिवलिंग के अंदर ही रहे, मतलब वो आपके थाल में ही रहेगा। तो उसे जैसे ही आप सुबह में एक जो मैंने बताया बाल्टी में डाल दीजिए, तो सारा का सारा ये सामान आपका उसमें चला जाएगा। उसके बाद उसे किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका विसर्जन कर दीजिएगा। और जो भी फल है उसे देखिए बर्बाद मत कीजिए, जो भी खाना है, अनाज है, ठीक है ना, महादेव का दिया हुआ है आपके पास, तो उसे बर्बाद ना कीजिए, किसी गाय को खिला दीजिए, ठीक है, और या तो किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ कि जो भी डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर अब लग रहा है, मेरे हिसाब से तो मैंने कोशिश की आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने का, फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको उस चीज़ों का जवाब मिल सके, ठीक है ना। और हमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जैसे मैसेज करते हैं तो वहाँ से हम आपको जल्दी रिप्लाई करते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ मतलब यूट्यूब पर 24/7 तो नहीं रहते, बट फेसबुक और मैसेज इंस्टाग्राम का मैसेज मेरे पास नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो हम आपको आंसर देने का कोशिश करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो उपयोगी लगी तो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तेभ्यम, हर हर महादेव।